हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वाचिंग यूपीएससी लाइव। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रशिया और जर्मनी की, बिकॉज रशिया और जर्मनी के बीच में कुछ टेंशन इंक्रीज हो गई है और ये द हिंदू न्यूज़पेपर का कटआउट है। तो उसमें बोला है कि जर्मनी रशिया पर सेंक्शन लगाने के लिए स्टार्ट, मतलब सेंक्शन लगाने की बात कर रहा है। आखिर इस लेक्चर में जानेंगे आखिर ऐसा क्यों जर्मनी कर रहा है, बिकॉज एक इशू चला है रशिया में। द नवलनी जो नवलनी है वहाँ के एक क्रिमिनल क्रिटिक है और जो करप्शन इन्वेस्टिगेटर है जो रशिया में, वो फैल इन्हें फ्लाइट टू मॉस्को, जो मॉस्को की तरफ जो फ्लाइट जा रही थी उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये बात है 20 अगस्त की। सो उनको फिर वहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया, साइबेरिया के हॉस्पिटल में ले जाया गया। इसके बाद ही हैज़ बीन इंड्यूस्ड कोमा इन बर्लिन हॉस्पिटल सिंस ही वाज फ्लोन टू जर्मनी फॉर ट्रीटमेंट। सो साइबेरिया से फिर वो बर्लिन लाए गए, जो कि जर्मनी में है। जर्मनी में अब वो जर्मनी में अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस वजह से अब ये नेवलनी कौन है? एलेक्सी नेवलनी जो कि रशिया की अपोजिशन लीडर हैं और एंटी करप्शन कैंपेनर हैं, हु वाज एवेक्यूटेड टू जर्मनी आफ्टर फेलिंग इल। अभी वो जर्मनी में ही उनका इलाज चल रहा है। और इलेक्शन नेवली वो रशिया में एक अपोजिशन लीडर का काम करते हैं, मतलब अपोजिशन लीडर है, जो कि अपोजिशन लीडर मतलब व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में है और वहाँ पर एंटी करप्शन कैंपेन चला रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के। बिकॉज रशिया में अभी इस टाइम उनके अकॉर्डिंग रशिया में अभी काफ़ी करप्शन चल रहा है। इस वजह से ये इस इशू की वजह से जर्मनी और रशिया के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई है। जर्मनी क्लेम करता है कि अपोजिशन जो लीडर है हैज बीन पॉइजन यूजिंग अ सोवियत एरा नर्व एजेंट, कि जो एजेंट जो अपोजिशन लीडर था जो रशिया वाला जो कि अभी जर्मनी में जिसका इलाज चल रहा है, तो जर्मनी ने क्लेम किया है कि जो उस अपोजिशन लीडर को नर्व एजेंट दिया गया, इसका नाम है एजेंट नोविचोक, जो कि सोवियत एरा का एक पोजिशन पॉइजन था। इस वजह से जर्मनी और रशिया के बीच में टेंशन क्रिएट हो रखे हैं। आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखे हैं। ये है वर्ल्ड मैप। इस मैप के अकॉर्डिंग रशिया और जर्मनी की लोकेशन जानेंगे। ये है जर्मनी और ये जर्मनी कैपिटल बर्लिन और ये है रशिया, सबसे बड़ा कंट्री वर्ल्ड का, और ये मॉस्को रशिया की कैपिटल। ये आप यहाँ से इसकी लोकेशन पता चल जाएगी, ये रशिया और जर्मनी के बीच की में, तो ये दोनों कंट्री ना ही कोई लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ये चीज़ माइंड याद रखना। इसके अलावा नोट में ये है कि जर्मनी जो कि विच इज़ करेंटली होल्ड द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन विल डिस्कस पॉसिबल सेंक्शन अगेंस्ट रशिया इफ फेल टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। मतलब जर्मनी अभी जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी होल्ड करता है, जो कि रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, उन्होंने डिस्कस किया है कि अगर रशिया कोई भी ऐसा प्रूफ या अपना एक्सप्लेनेशन ठीक से अच्छे तरीके प्रोवाइड नहीं कर पाया या उस चीज़ में फेल होता है, तो वी विल डिस्कस पॉसिबल सेंक्शन ऑन अगेंस्ट रशिया। हम रशिया पर सेंक्शन करने की बात को हम डिस्कस करेंगे। ये जर्मनी ने ये बोला यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग। द यूरोपियन यूनियन ईयू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, द ईयू कैन डिस्कस सेंक्शन ऑन नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक पाइपलाइन है, इससे पहले एक नॉर्ड स्ट्रीम थी, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक प्रोजेक्ट है जो अभी प्री प्लान है, मतलब अभी वो कंस्ट्रक्ट चल रहा है, उसके बारे में सोचा। इससे पहले नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है वो एग्जिस्ट है। इसके नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में आगे बताऊंगा लेक्चर में। विच इज़ ए क्रिटिकल एनर्जी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट फॉर रशियन गवर्नमेंट। इसके ऊपर भी वो सेंक्शन लगाने की बात कही यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये चीज़ें माइंड में याद रखना। ये न्यूज ब्लूमबर्ग का कटआउट है। इसमें बोला है कि मार्कल ओपन टू ऑक्शन एक्शन अगेंस्ट नॉर्ड स्ट्रीम टू पनिश द पुतिन। अगर रशिया अगर कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं देता या ऐसे सेटिस्फाई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, तो एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर है, वो नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन है उनके उसके ऊपर एक्शन ले सकती हैं टू पनिश पुतिन। नॉर्ड स्ट्रीम 2 आखिर ये है क्या? इट इज नियरली कंस्ट्रक्टेड 1200 किलोमीटर पाइपलाइन फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। ये जो पाइपलाइन है रशिया से लेकर जर्मनी तक है, जो कि बाल्टिक सी से होते हुए है। इट विल रन अलोंग साइड ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड नॉर्ड स्ट्रीम
मतलब जी बनेगी नॉर्थ स्ट्रीम जो कि अब ये कंसी अलोंग साइड है, मतलब पैरेलल है नॉर्थ स्ट्रीम की, जो उससे पहले जो बनी है उसका नाम नॉर्थ स्ट्रीम है और सेकेंड वन का नाम है नॉर्थ स्ट्रीम टू, सो इसे याद रखना। एंड विल बी डबल द अमाउंट ऑफ गैस बींग फनल थ्रू द बाल्टिक टू 110 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, सो ये उसका डबल फनल या थ्रो करेगी, सो यह चीज़ याद रखना। ये मैप में देखिए आप, इससे पता चलेगा ये रशिया है ये जर्मनी, सो यहाँ से लेके यहाँ तक बाल्टिक सी से होते हुए गैस पाइपलाइन, यहाँ मैं आपको उसमें एक पिक में पिक्चर में दिखाऊंगा, आप उसमें ढंग से क्लियर हो जाएगा आपके लिए ये। हाँ इस पिक्चर में आप ढंग से देखिए, इसमें पता चल जाएगा। सो ये रशिया, ये रशिया से यहाँ से पाइपलाइन होते हुए बाल्टिक सी से होते हुए जा रही है और यहाँ से ये जर्मनी होते हुए ग्रीस पर, ये ब्लू लाइन कलर की वो नॉर्ड स्ट्रीम टू है, जो डॉटेड लाइन है वो नॉर्ड स्ट्रीम टू है। सो ब्लू लाइन नॉर्ड स्ट्रीम और डॉटेड लाइन नॉर्ड स्ट्रीम टू, सो इस पिक्चर में आपको क्लियर पता चल जाएगा नॉर्ड स्ट्रीम और नॉर्ड स्ट्रीम टू पाइपलाइन क्या है। सो ये बाल्टिक सी से होते हुए रशिया से लेकर जर्मनी तक है। सो इसके ऊपर एंजेला मार्केट बोले कि अगर रशिया कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो हम इस पर एक्शन लेने की सोचेंगे। सो इसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में देखते हैं, क्योंकि इसमें बीच में यूरोपियन यूनियन में आया। सो यूरोपियन क्या है, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप ऑफ 27 कंट्री इन यूरोप, यूरोप में जो कंट्रीज हैं 27 कंट्री उनका एक ग्रुप है उसको, इसलिए उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन मतलब यूरोपियन कंट्रीज का यूनियन, मतलब ग्रुप ऑफ यूरोपियन 27 कंट्रीज। सो दीज कंट्री केम टूगेदर टू मेक दीज थिंग्स बेटर इजियर एज सेफर पीपल, सो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए चीज़ों को और ज़्यादा इजी करना और सेफ करना। सो दे एग्री टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, सो इसकी वजह से उनके साथ और हेल्प मिलेगी। और यूरोपियन यूनियन के लिए मैं जो भी कंट्री हैं उनके बॉर्डर ओपन है। सो इसके बाद ये है कि द आइडिया टू मेक द यूरोपियन यूनियन केम आफ्टर द टू बिग वॉर हैपेंड इन यूरोप, सो यूरोप में जो दो बड़ी वॉर हुई थी सो उसके बाद ये वाला आइडिया आया था। सो द कंट्रीज इन यूरोप सो दैट इज बेटर टू वर्क टुगेदर देन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सो जो यूरोपियन कंट्री का मानना चाहिए कि आपस में लड़ने से अच्छा है आपस में साथ रहें, तो इससे बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए और लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो इन 2016 में द यूनाइटेड किंगडम डिसाइड टू स्टॉप बींग पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, सो 2016 में यूनाइटेड किंगडम है उसने डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाएगी। सो द 31 जनवरी 2020 मतलब इस डेट के बाद द यूरोपियन किंगडम इज नो लॉन्ग द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, सो इस 31 जनवरी 2020 के बाद, मतलब 2020 के बाद यूरोपियन किंगडम जिसको यूके बोलते हैं वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेगा। और इस पिक्चर में आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से कंट्रीज हैं। सो ये सभी के सभी यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं और ये जो यूके जो उसमें ब्लैक जो भी ब्लू कलर की कंट्री है वो सब यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, और जो यूके अब ब्लू कलर की कंट्री नहीं बिकॉज 31 जनवरी 2020 के बाद वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। सो जो करंट मेंबर ब्लू से हैं, जो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं वो इस कलर से, इससे आप मालूम पड़ जाए, और जो फॉर्मर मेंबर हैं वो यूके वाला जो इससे है। सो इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यूरोपियन कंट्री कौन सी हैं। सो इसमें एक चीज़ का और मेंशन था कि एजेंट नोविचोक, सो एजेंट नोविचोक आखिर क्या ये ऐसा क्या मतलब इट इज़ सो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज़ डेवलप्ड इन सोवियत यूनियन इन 1970s मतलब 1970s 80s जो कि सोवियत यूनियन का टायरा था, तो उस टाइम में इसको डेवलप किया गया था। ये एजेंट नोविचोक इसका मीन्स है न्यू कमर, सो इट इसको यूज करते एज ए यूज फॉर ए फैमिली ऑफ हाईली टॉक्सिक नर्व एजेंट, मतलब ये हाईली टॉक्सिक नर्व एजेंट है, इसकी वजह से नर्व एजेंट पर अटैक किया जाता, मतलब एक पॉइजन की तरह है। सो नोविचोक एजेंट इज बिलीव टू बी 5 to 10 times मोर लिथल देन द अदर पॉइजन सब्सटेंस लाइक वीएक्स गैस, जो वीएक्स गैस है वो भी एक पॉइजन गैस है, सो उससे वो 5 to 10 times मोर डेंजरस है, मोर लिथल है ये नोविचोक। सो इसका मतलब ये है, सो आप इससे आइडिया कर सकते हैं कि वीएक्स गैस से किसी इंसान की डेथ एक घंटे के अंदर हो जाएगी, सो इस नोविचोक वो उससे 5 to 10 times और मोर लिथल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना डेंजरस है। सो इसके बाद ये है कि वेपनाइजेशन ऑफ एनी केमिकल इज बैंड अंडर द 1997 केमिकल वेपन कन्वेंशन ऑफ विच मॉस्को इज साइनेट्री, सो मॉस्को मतलब जो रशिया है रशिया भी साइनेट्री है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो कि 1997 का है। सो इसमें इस ट्रीटी के अंदर वेपनाइजेशन ऑफ केमिकल वो बैंड है, सो इसकी इस चीज़ को याद रखना। सो ये भी हमारे सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
सो केमिकल वेव एंड कन्वेक्शन पढ़ते हैं बिकॉज इसमें नोविचोक जो कि पॉइजन है उसका यूज होता है, तो इसमें ये चीज और इम्पोर्टेंट बन जाती है हमारे सिलेबस के लिए। सो केमिकल वेपन्स कन्वेक्शन, इट इज मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट बैंस केमिकल वेपन्स एंड रिक्वायर देयर डिस्ट्रक्शन विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सो इसकी वजह से जो वर्ल्ड में केमिकल वेपन्स के जो भी है उनको उनके यूज पर ट्रीटी, एक ये ट्रीटी है, सो उनके यूज पर बैन लगाया जाता है विद अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सो CWC is implemented by the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, जिसको OPCW बोलते हैं। सो विच इज जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है, और OPCW won the 20 और इसके अकॉर्डिंग जो OPCW ने 2013 का जो नोबल पीस प्राइज है वो भी जीता। सो आप इसको इस चीज को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसने नोबल पीस प्राइज भी जीता हुआ है। सो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, द हेग में। सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW 2013 में नोबल प्राइज भी जीता है और इसका हेडक्वार्टर द हेग में है। Then the CWC is open to all nation and currently इसके कितने मेंबर, 193 स्टेट्स, मतलब 193 कंट्रीज हैं इसके साइग्नेटरी। देन इसराइल इसके जो कि इसराइल हैज साइन बट हैज येट टू रेटिफाई द कन्वेंशन। इसराइल जो कि इसने साइन तो किया बट अभी तक रेटिफाई नहीं किया। सो ये चीज़ को माइंड में रखना बिकॉज अभी के टाइम में इसराइल काफ़ी न्यूज में चल रहा है। सो हमारे करंट अफेयर के लिए इसराइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। सो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एंड द थ्री स्टेट्स हैव नाइदर साइंड नॉर रेटिफाइड, और तीन ऐसे कंट्रीज हैं जो स्टेट्स हैं, ना ही तो उन्होंने साइन किया है ना ही उन्होंने रेटिफाइड किया है, जिसमें से इजिप्ट है, नॉर्थ कोरिया, सूडान। इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, सूडान, ये इनको याद रखना, ये तीन कंट्री ना ही इन्होंने साइन किया है ना ही इन्होंने रेटिफाइड किया है। सो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में ऐसी कौन कौन सी चीज, मतलब किस किस चीज़ों का उसमें प्रोहिबिट है। सो इसमें याद रखना कि डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्वायरिंग, स्टॉक पिलिंग और रिटेनिंग केमिकल वेपन, मतलब केमिकल वेपन जितने भी उनको ना आप डेवलप कर सकते ना ही प्रोड्यूसिंग कर सकते ना एक्वायर कर सकते, स्टॉक पिलिंग नहीं मतलब इनको इकट्ठा नहीं कर सकते और रिटेन और इनको रख नहीं सकते। सो जो भी केमिकल इनका से भी यूज बैन है। देन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ केमिकल, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्टली ट्रांसफर जो होता है केमिकल वेपन वो भी कोई कंट्री नहीं कर सकता। देन केमिकल वेपन यूज ऑफ मिलिट्री प्रिपरेशन, उसमें मिलिट्री प्रिपरेशन के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। देन असिस्टिंग, इंक्रीजिंग और इंड्यूसिंग अदर स्टेट टू इंगेज CWC, मतलब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन प्रोहिबिट एक्ट, मतलब केमिकल वेपन्स का इंक्रीजिंग भी बैन है। देन द यूज ऑफ राइट्स कंट्रोल एजेंट, मतलब राइट जहाँ भी होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए केमिकल वेपन्स का कभी यूज नहीं करता। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर प्रोहिबिशन है केमिकल वेपन्स के लिए। सो इस चीज़ को आप याद रखना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।